जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तुम्हारा मन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और आप लोग देख रहे हैं द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसलेपियस वेलनेस के दूसरे प्रोडक्ट मतलब नेक्स्ट प्रोडक्ट के रिव्यूज के बारे में, जो कि मैं पर्सनली तो नहीं यूज़ किया लेकिन कुछ लोग थे जो कि उनको मैंने यूज़ करवाया था और उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ नहीं थी तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया, तो उनको थी तो मैंने उनसे उन्हें शेयर किया था ये प्रोडक्ट, तो उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। डाइबोडॉक रस एक प्रोडक्ट है एसलेपियस वेलनेस का, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं और प्राइस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहली चीज़ की फीचर्स या फिर इंग्रेडिएंट क्या क्या पड़ा हुआ है। करेले का रस पड़ा हुआ है, जो कि डायबिटीज़ है तो करेले का रस तो खाना ही पड़ेगा। इसमें आपको जामुन रस पड़ा हुआ है, गौरपथ रस पड़ा हुआ है, गुरमर रस पड़ा हुआ है, त्रिफला रस पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी इंग्रेडिएंट के तौर पे। और इसके भी आगे भी और चीज़ें हैं, मतलब करेले का रस में ब्रैकेट में आपको यहाँ पे सारा आपको इमेज दिख जाएगा, उसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि क्या क्या है। तो मेन मेन मोटिव मेन मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि करेले का रस है, जामुन रस है, उसके बाद गौरपथ रस है, गुरमर रस है, त्रिफला रस है। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे या यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पड़ी हुई हैं, तो 20-20% सारा पड़ा हुआ है इसके अंदर में, मतलब जो क्वांटिटी। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स के लिए हम देखते हैं क्या है। डाइबोडॉक का ये बेनिफिट है कि आपका जो शुगर लेवल है, अगर 570 है, 600 है, ये उसको कंट्रोल कर लेता है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हो, क्योंकि ये मतलब चीज़ पहले थोड़ा सा बढ़ाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे पूरा 15-20 दिन या 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना, जैसा आपका डायबिटीज़ का शुगर लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग और आपके इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चीज़ों को कंट्रोल करता है। और जब कंट्रोल करता है तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो ये आप, लेकिन इसको आपको यूज़ करना है, जो आप कैप्सूल यूज़ कर रहे होंगे, आप डायबिटीज़ का जो मेडिकल ट्रीटमेंट और जगह से कर रहे होंगे, जहाँ मतलब डॉक्टर से जो एलोपैथी होती है, तो उसके संग इसको आप यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में। अगर आप इंस्टेंटली उसको भी छोड़ दिए और इसको यूज़ कर रहे हैं, तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डायबिटीज़ का केस है, रिस्क नहीं ले सकते। धीरे धीरे आप उसको करके छोड़िएगा, जैसे जैसे इसको यूज़ करते हुए आपका मतलब डायबिटीज़ मेंटेन होने लगे, तो धीरे धीरे आप उसको जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ये डायबिटीज़ का एक मतलब ये बेनिफिट है। दो तरीके की डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 1 टाइप 2, चाहे इंसुलिन ले रहे हो चाहे नॉर्मल गोली ले रहे हो, तो दोनों पे इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। और इस पे हम लोग देखें, अगर ये बेसिकली करता क्या है, ये इंसुलिन को बनाने का काम करता है। जब ये बॉडी में इंसुलिन की मतलब बनना बंद हो जाता है, तो ये इंसुलिन को बनाता है ताकि फिर से ये वर्क करना स्टार्ट करे। तो जब इंसुलिन बन जाता है और जब सारी चीज़ें फंक्शनिंग सही हो जाती हैं, पैनक्रियाज जब इंसुलिन सही से बनाने लगता है, तो आप जो बॉडी का फंक्शन है, जो डायबिटीज़ लेवल है, अगर हाई होगा तो मेंटेन हो जाएगा, जो 110 120 के आसपास में नॉर्मल होता है, और लो होगा तो वो भी मतलब उसने पे आकर के स्टेबल हो जाएगा। लेकिन आपको यूज़ करते रहना है। ये फूड सप्लीमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको मेडिसिन के तौर पे हम यूज़ कर लें और हम ये सोचें कि हम इसको जब छोड़ देंगे तो फिर हमारा मतलब प्रॉब्लम सही हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ये फूड सप्लीमेंट है, तो हो सकता है कि आपको समय ले। बेसिकली ये करता है कि कमियों को पूर्ति कर देता है, और जब कमियों की पूर्ति हो जाएगी आपके बॉडी में, तो फिर जब कमी नहीं रहेगी तो फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उस कमी को पूर्ण रूप से सही करने के लिए आपको तब तक तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अब उसमें साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 साल भी जा सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इतना नहीं होगा।
लेकिन फिर भी एक रेयर केस लेकर के चलते हैं, क्रिटिकल केस लेकर के चलते हैं। तो इसके बाद इसको लेने की विधि देख लेते हैं। 15 से 20 ml आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप नोनी या क्लोरोडॉक आप इसके संग चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स डायबिटीज़ के लिए आपको मिलेगा। अगर कमजोरी है तो थंडर ब्लास्ट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों का आप ले करके आप यूज़ करिए। और परहेज में क्या है, आप परहेज में मैं अगर बताऊँ तो मीठा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, आलू दूध नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाइए, चबा करके जो बोला जाता है कि 32 बार चबा करके खाना चाहिए, तो वैसे हम कर सकते हैं। चिकन वगैरह नहीं खाना है, तेल मसाला नहीं खाना है। और अगर तंबाकू चीज़ें लेते हैं या फिर मतलब जैसे पुड़िया वगैरह खाते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो पान मसाला ये सारी चीज़ें गुटखा वगैरह खाते हैं आप, तो वो चीज़ नहीं खाना है। ये सब चीज़ छोड़ दीजिए, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप बोलेंगे कि हम दारू भी पियेंगे, हम चिकन भी खाएंगे और डायबिटीज़ भी ठीक करेंगे डाइबोडॉक लेकर के, तो भाई उस पर फिर भूल जाइए, फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ें थी। और थोड़े थोड़े करके आप 4 से 5 बार मतलब इकट्ठे नहीं खा लेना है भोजन को, मतलब 8 बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब चबा करके उसको खाइए, क्योंकि डायबिटीज़ में भूख नहीं लगती है या फिर कम लगती है। तो अपने भूख के अनुसार थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आप उतने मतलब आपको उतना रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे और कुछ लेने की विधि थी और नोट पॉइंट या फिर परहेज हम बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। यूज़ करने का डायरेक्शन क्या था वो मैंने आपको बता ही दिया, 15 से 20 ml। तो ये टोटल डाइबोडॉक के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसका प्राइस की अगर हम लोग बात कर लें तो MRP इसका पड़ता है 1492। तो ये टोटल वीडियो थी डाइबोडॉक से रिलेटेड, जो कि इस कंपनी के द्वारा ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है SLPS वेलनेस के द्वारा। कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत ही A1 क्वालिटी का है डायबिटीज के लिए। जिसको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर डाइबोडॉक रस यूज़ किया हुआ है या किसी को दिया हुआ है, उसका जेन्यून रिजल्ट आप नीचे डाल करके कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप मोटिवेशन वाला रिजल्ट मत शेयर कीजिएगा, जो रियल प्रॉब्लम अगर इसको यूज़ करने के बाद आई होगी या फिर रियल रिजल्ट जो मिला होगा, जेन्यून चीज़ आप उसको शेयर कीजिएगा, न कि प्रमोशन के चक्कर में आप मोटिवेशन शेयर कीजिएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। जो रिज़ल्ट है, जो ट्रुथ है, वो बस शेयर कीजिएगा। मुझे भी पता है कि इसका रिज़ल्ट है, लेकिन कई लोग होते हैं कि अपना प्रमोट करने के चक्कर में और लोगों का निगेटिव बताने के चक्कर में अपना ज़्यादा एक्साइट मतलब एक्स्ट्रा ओवर प्रमोशन करते हैं, तो वो मत कीजिएगा भाई। जो सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है। भाव बोला जाता है सही होना चाहिए, अगर भाव अच्छा है तो बेहतर होता है सारी चीज़ें और प्रभाव भी उससे ज़्यादा अच्छा पड़ता है। लेकिन भाव अगर आपका गलत है, इंटेंशन खराब है, नीयत गड़बड़ है, तो फिर प्रभाव उसका कभी सही नहीं रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय। थैंक यू।